वेलकम बैक टू द बी आर स्टॉपर। सो बी ए फिफ्थ सेमेस्टर ज्योग्राफी की ये हमारी क्लास है एंड एज पर पंजाब यूनिवर्सिटी सिलेबस वी हैव स्टार्टेड विद द फर्स्ट यूनिट ऑफ वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी दैट इज एंग्लो अमेरिका। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने एंग्लो अमेरिका रीजन के बारे में समझा था कि नॉर्थ अमेरिका का ये वो मेजर पार्ट है दैट कंप्राइजेज ऑफ यूएसए एंड कैनेडा एंड कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशनल एस्पेक्ट्स के बारे में हमने अंडरस्टैंड किया था। अब आज लेक्चर नंबर 2 में हमने फिजियोग्राफी या रिलीफ को स्टडी करना है, मतलब हमें एंग्लो अमेरिका के फिजिकल फीचर्स या जिनको लैंडफॉर्म्स भी कहते हैं जैसे माउंटेन्स, प्लेटू, प्लेन, इन सब फीचर्स को लोकेशन वाइज स्टडी करना है ऑफ द रीजन एंग्लो अमेरिका। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि एंग्लो अमेरिका में मेन फिजियोग्राफिक डिविजन्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो जो ब्रॉडली हम डिवाइड करते हैं एंग्लो अमेरिका को रीजन वाइज कि कहाँ पे माउंटेन्स हैं, कहाँ प्लेटूज हैं, इस तरह से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 4 मेन फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं। सबसे पहले तो देखो वेस्टर्न साइड पे ना हमारे पास माउंटेन्स हैं। ठीक है, वेस्टर्न साइड पे माउंटेन्स हैं, बीच में हमारे पास प्लेन एरिया है जिसको सेंट्रल लोलैंड्स बोलते हैं। वेस्टर्न साइड पे जो माउंटेन्स हैं इनका नाम है वेस्टर्न कॉर्डिलेरास। क्लियर? तो वेस्टर्न कॉर्डिलेरास वेस्टर्न साइड पे हैं, बहुत ज़्यादा हाइट का ये माउंटेन्स है, एक मेजर बड़ा माउंटेन सिस्टम है जो वेस्टर्न साइड पे इनकी रेंजेस चल रही हैं वेस्टर्न कॉर्डिलेरास की। बीच में सेंट्रल लोलैंड्स हो गए जो प्लेन एरिया है, इसके बाद जो ईस्टर्न साइड है यहाँ भी माउंटेन्स ही हैं, इनको हाईलैंड बोलते हैं या ईस्टर्न हाईलैंड्स बोलते हैं। ठीक है, इनकी जो हाइट है वो वेस्टर्न कॉर्डिलेरास से कम है, काफ़ी कम है, ये छोटी हाइट के हाईलैंड्स हैं और वेस्टर्न कॉर्डिलेरास ज़्यादा हाइट के माउंटेन्स हैं। तो वेस्टर्न साइड पे माउंटेन्स हो गए और ईस्टर्न साइड पे जो ईस्टर्न पोर्शन है वहाँ पे हिल्स हैं या हाईलैंड्स हैं, इनका नाम ईस्टर्न हाईलैंड्स, तो बहुत ही ईजी है इनको याद करना। और बीच में है प्लेन एरिया जिसका नाम है सेंट्रल लोलैंड्स। ओके, देन जो नॉर्थ साइड है ना एंग्लो अमेरिका का, जो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, यहाँ पे हमारे पास प्लेटू है। इस प्लेटू का नाम है कैनेडियन शील्ड। ठीक है, तो ये जो शील्ड है ये स्नो बाउंड रीजन है जो कि स्नो बाउंड रहता है थ्रू आउट द ईयर, बर्फ रहती है यहाँ पे और काफ़ी कोल्ड ये रीजन है, फ्रिजिड जोन में आता है। फाइन, तो हम कह सकते हैं कि ये कोल्ड प्लेटू रीजन है जो नॉर्थ में है। क्लियर, तो नॉर्थ में हो गया एक प्लेटू, वेस्ट पे माउंटेन्स, ईस्ट पे हिल्स या हाईलैंड्स और सेंटर में लोलैंड्स हैं, इसको मैप में देखेंगे। नाउ सी, दिस इज द मैप ऑफ फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ एंग्लो अमेरिका। अब यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा बातें लिखी हैं उन पे आपने कॉन्सेंट्रेट नहीं करना, सिर्फ जो मेजर 4 कलर्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो देखने हैं। सबसे पहले ये जो पर्पल कलर है नॉर्थ में, दिस इज कैनेडियन शील्ड, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे कैनेडियन शील्ड प्लेटू है, कोल्ड प्लेटू है। उसके बाद वेस्टर्न साइड पे माउंटेन्स हैं, ये रीजन हो गया हमारा वेस्टर्न कॉर्डिलेरास। ईस्टर्न साइड के जो हिल्स हैं इनका नाम ईस्टर्न हाईलैंड्स हैं और बीच में सेंट्रल लोलैंड्स हैं जो ग्रीन कलर से दिख रहा है। ठीक है, तो ये हो गए मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ एंग्लो अमेरिका। अब इनको डिटेल में हमें वन बाय वन स्टडी करना है। स्टार्ट करेंगे विद कैनेडियन शील्ड। देखो कैनेडियन शील्ड ना एक रेज्ड बट रिलेटिवली फ्लैट प्लेटू है, मतलब इसकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है एंड इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय रॉकी लैंडस्केप, जैसे कि आपको इस इमेज में भी दिख रहा है, काफ़ी रॉकी पथरीली इसकी लैंडस्केप है, पोक्ड बाय एन एस्टाउंडिंग नंबर ऑफ लेक्स सच एज विनिपेग, ग्रेट बियर एंड ग्रेट लेक्स। तो इस कैनेडियन शील्ड में ना आपको बहुत सारी लेक्स मिलेंगी, इस मैप में आप देख सकते हो ये जो है ना ये लेक्स हैं, ये ग्रेट लेक्स हैं एंग्लो अमेरिका की, और ये लेक मैनिटोबा, लेक रेनडियर, ग्रेट बियर लेक, तो ये बहुत सारी लेक्स हैं जो आपको इस रीजन में मिलेंगे कैनेडियन शील्ड में। और रॉकी लैंडस्केप है इसकी, काफ़ी पत्थर वाली पथरीली सी जगह है और एक प्लेटू रीजन है ये जिसकी बहुत ज़्यादा हाइट नहीं है, थोड़ा कम हाइट का ये प्लेटू है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लॉरेंशियन प्लेटू, इसको लॉरेंशियन प्लेटू भी बोलते हैं। अब देखो 2 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आ जाए उसमें लिखा हो लॉरेंशियन प्लेटू तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कैनेडियन शील्ड को ही एक्सप्लेन करना है, बिकॉज कैनेडियन शील्ड इज ऑल्सो नोन एज लॉरेंशियन प्लेटू। इट फॉर्म्स अ ओरिजिनल कोर अराउंड विच नॉर्थ अमेरिका हैज स्लोली ग्रोन इनटू इट्स प्रेजेंट फॉर्म। तो ओरिजिनल कोर का क्या मतलब है कि पास्ट में जब ये कॉन्टिनेंट बना था, जैसे कॉन्टिनेंटल शिफ्ट थ्योरी, ये जो शिफ्टिंग की जो थ्योरीज हैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी सॉरी, कि किस तरह से कॉन्टिनेंट्स बने थे, पहले एक ही लैंड मास हुआ करता था जिसका नाम पेंजिया था, तो फिर ये धीरे धीरे ड्रिफ्ट हुए थे, तो इस तरह से ये जो
पार्ट है ना, ये ओरिजिनल पार्ट है, सबसे पुराने पार्ट की अगर बात करें एंग्लो अमेरिका का, तो वो कैनेडियन शील्ड ही है। बिकॉज सबसे पहला जो ओरिजिन हुआ था वो इसी का ओरिजिन हुआ था, कैनेडियन शील्ड का। इसके आसपास फिर धीरे धीरे नॉर्थ अमेरिका का जो कॉन्टिनेंट है वो डेवलप हुआ। तो ओरिजिनल कोर का मतलब ये ओरिजिनल पार्ट है, सबसे पुराना पार्ट है, ठीक है। तो जिसके अराउंड फिर नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट डेवलप हुआ धीरे धीरे, तो वो पार्ट यही है। तो सबसे पहला पार्ट हम कहेंगे कैनेडियन शील्ड है। इट इज अ वॉर्न डाउन पेनीप्लेन ऑफ एक्सट्रीमली एंशियंट एंड हार्ड इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो सबसे पुराना पार्ट है, एक्सट्रीमली एंशियंट और हार्ड इग्नियस रॉक्स से बना हुआ ये पार्ट है। इसमें हार्ड इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक, वो भी बहुत पुराने टाइम के, एंशियंट टाइम्स के हमें मिलते हैं, क्लियर। और वॉर्न डाउन पेनीप्लेन का मतलब, वॉर्न डाउन पेनीप्लेन, देखो इसमें ना इरोजन काफ़ी ज़्यादा हो रखी है। जैसे कि अभी मैंने बताया इसकी हाइट ज़्यादा नहीं है, तो हाइट ज़्यादा ना होने का कारण यही है कि किसी टाइम में इसकी हाइट ज़्यादा रही थी, लेकिन इरोजन से, जैसे विंड इरोजन, ग्लेशियर इरोजन, क्योंकि ग्लेशियर रीजन ज़्यादा है, ये ग्लेशिएटेड रीजन है, तो ग्लेशियर का भी इरोजन होता है, बर्फ़ पिघलती रहती है, तो उससे इसकी हाइट जो है ना वो कम हो गई है, लेकिन पास्ट टाइम में इसकी हाइट ज़्यादा थी, ठीक है। तो वॉर्न डाउन है ये, मतलब इरोडेड है ये काफ़ी ज़्यादा, जिससे इसकी हाइट कम हुई है, क्लियर। और क्योंकि हैवीली ग्लेशिएटेड ये रीजन है, तो सॉयल कवर हमें यहाँ पे नहीं मिलता, यहाँ पे बहुत ही थिन या बिल्कुल सॉयल कवर नहीं है इस रीजन में। एंड सॉयल कवर नहीं है तो यहाँ पे वेजिटेशन भी हमें बहुत रेयर मिलती है, जो माउंटेन्स में सर्वाइव कर जाए, इस तरह के कुछ पाइन ट्रीज हमें मिलते हैं। अदरवाइज यहाँ पे वेजिटेशन ज़्यादा नहीं है, बहुत कम वेजिटेशन है, क्योंकि वेजिटेशन को ग्रो करने के लिए सॉइल चाहिए, और सॉइल यहाँ पे नहीं है, ये ग्लेशिएटेड रीजन है, इसमें आपको सिर्फ बर्फ मिलेगी। इट इज़ डाइवर्सिफाइड बाय रेसिडुअल माउंटेन्स, रेसिडुअल माउंटेन्स काफ़ी पुराने, जो घिस चुके माउंटेन्स हैं हम कह सकते हैं, इरोडेड हैं, इस तरह के माउंटेन्स यहाँ पे मिलेंगे, हिल लाइक पैचेज हैं ग्लेशिएटेड मटेरियल के। इंडिपेंडेंट ड्रेनेज पैटर्न ऑफ द रीजन फॉर्म्स वेरियस रैपिड्स एंड फॉल्स। तो इंडिपेंडेंट ड्रेनेज पैटर्न है, यहाँ पे रिवर्स हैं इंपॉर्टेंट, मैकेंजी रिवर यहाँ पे फ्लो करती है नॉर्थवर्ड, और बहुत सारे रैपिड्स और फॉल्स भी इस रीजन में हमें मिलते हैं। कैनेडियन शील्ड इज रिच इन वेरियस मिनरल्स। देखो एग्रीकल्चर तो पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, सॉइल कवर नहीं है, वेजिटेशन नहीं है, लेकिन मिनरल्स हमें यहाँ पे काफ़ी सारे मिलते हैं, फाइन। अब मिनरल्स क्यों मिलते हैं, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक्स यहाँ पे मिलती हैं, बहुत पुरानी रॉक्स हैं, तो उनमें मिनरल्स काफ़ी रिच होते हैं, फाइन। तो ये अभी हमने कैनेडियन शील्ड के बारे में पढ़ा, ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमने पढ़ना है ईस्टर्न हाइलैंड्स। मैप में इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको लोकेशन साथ के साथ याद हो जाए। कैनेडियन शील्ड, ये अभी हमने इसका स्टडी किया कि एक फ्लैट प्लेटू है, कोल्ड प्लेटू है, ग्लेशिएटेड रीजन है ये। और इसके बाद हमें ईस्टर्न हाइलैंड्स पढ़ना है, जो कि ये वाला रीजन है, ठीक है। तो मैप की आपको लोकेशन माइंड में रख दी है, इसके बाद मैं इसके एक्सप्लेनेशन करा देती हूँ। देखो ईस्टर्न हाइलैंड्स जो हैं वो एंग्लो अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट पे लाई करते हैं, ये अटलांटिक ओशन है, यहाँ पे ये जो ईस्टर्न पोर्शन है यहाँ पे लोकेशन है ईस्टर्न हाइलैंड्स की। ये भी ओल्ड फोल्डेड एंड फॉल्टेड माउंटेन्स हैं, जैसे कैनेडियन शील्ड ओल्ड है, ऐसे ही ईस्टर्न हाइलैंड्स भी ओल्ड माउंटेन वाला रीजन है, फोल्डेड एंड फॉल्टेड दोनों तरह के माउंटेन्स यहाँ पे मिलते हैं। स्ट्रेच फ्रॉम द सेंट लॉरेंस वैली टू सदर्न यूएसए इंक्लूडिंग द अपलेशियन माउंटेन्स एंड द हाइलैंड्स ऑफ लैब्राडोर एंड न्यू फाउंडलैंड। तो ये सेंट लॉरेंस वैली से लेके अपलेशियन माउंटेन्स जो हैं वहाँ तक ये स्ट्रेच करते हैं। सेंट लॉरेंस जो है ना उसकी लोकेशन इस तरफ है, साउथ वर्ड देखो, साउथ में इसके सेंट लॉरेंस वैली है, और नॉर्थ में न्यू फाउंडलैंड एंड लैब्राडोर के जो माउंटेन्स हैं यहाँ तक इसकी लोकेशन है। ईस्टर्न हाइलैंड्स को लॉरेंशियन हाइलैंड्स और अपलेशियन दोनों ही नाम से जाना जाता है। देखो लॉरेंशियन हाइलैंड्स इनको कैनेडा में बोलते हैं, ये कैनेडा वाला जो रीजन है, जितना हिस्सा इनका कैनेडा में आ रहा है वहाँ पे इनको लॉरेंशियन हाइलैंड्स बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे लॉरेंशियन प्लेटू है। कैनेडियन शील्ड को क्या बोलते हैं, लॉरेंशियन प्लेटू, और ईस्ट में जो हाइलैंड्स हैं उनको लॉरेंशियन हाइलैंड्स बोलते हैं। लेकिन इन्हीं माउंटेन्स का नाम यूएसए में अपलेशियंस है, ठीक है। तो कैनेडा में लॉरेंशियन और यूएसए में अपलेशियंस, इसको भी याद रखने का इजी तरीका यही है कि कैनेडियन शील्ड को भी लॉरेंशियन प्लेटू बोलते हैं, कैनेडियन शील्ड के पास ही ये लग रहे हैं। ईस्टर्न पोर्शन जो माउंटेन्स का है उसको लॉरेंशियन माउंटेन्स बोलते हैं, और कैनेडा का जो प्लेटू है उसको लॉरेंशियन प्लेटू बोलते हैं, ठीक है। तो जो साउथ वाला एरिया है इसमें यूएसए में जो लाई कर रहा है, दैट इज कॉल्ड अपलेशियन माउंटेन्स, फाइन।
जनरल हाइट इनकी 2100 मीटर से कम इनकी हाइट है, बहुत ज़्यादा हाइट इनकी नहीं है, ठीक है। और जो इसमें हाईएस्ट पीक है अपलेशियन माउंटेन्स में, वो अपलेशियंस में है, ये याद रखना, अपलेशियन मतलब यूएसए में है, क्योंकि यूएसए में इनको अपलेशियन बोलते हैं, तो वो उसका नाम है माउंट मिशेल। इसकी हाइट 2037 मीटर्स है, नॉर्थ कैरोलिना यूएसए में, यहाँ पे नॉर्थ कैरोलिना यूएसए में इसकी लोकेशन है। हाईएस्ट पीक है अपलेशियन माउंटेन्स की, एंग्लो अमेरिका के सारे माउंटेन्स की नहीं, बल्कि ये जो माउंटेन्स है ना अपलेशियन, इनमें जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट मिशेल, 2037 मीटर हाइट, और नॉर्थ कैरोलिना यूएसए में इसकी लोकेशन है। सेंट लॉरेंस वैली एंड द हडसन मोहवा गैप ब्रेक्स द कॉन्टिन्यूटी ऑफ दीज हाईलैंड्स। तो ये जो माउंटेन्स है ना, ये वैसे तो कॉन्टिन्यूस हैं, लेकिन थोड़ा सा इनमें एक ब्रेक आ रहा है, एक गैप है, जैसे पासिस होते हैं ना, ये पास की तरह कह लो इसको, एक गैप है जो कि इनकी कॉन्टिन्यूटी को ब्रेक करता है। यहाँ से कहीं से इसकी लोकेशन है हडसन मोहवा गैप, ये रिवर्स है एक्चुअली, हडसन मोहवा वैली है, एक हडसन रिवर है, मोहवाक रिवर है, तो ये जो दो रिवर्स हैं ये इनके बीच की कॉन्टिन्यूटी को ब्रेक कर रही हैं, बीच में से रिवर्स पास हो रही हैं, तो वो एक इनलैंड अंदर जाने का रास्ता फॉर्म कर रहा है, पास फॉर्म कर रहा है ये रीजन हडसन मोहवाक, ठीक है। वेरियस मिनरल्स में ये भी रिच है रीजन, और दैट इट इज़ डाइवर्सिफाइड बाई डीप एंड ब्रॉड वैलीज, रिवर गैप्स, वाटरफॉल्स, एस्कार्पमेंट्स, प्लेटूज और माउंटेन रेंजेस, तो ये इस सारे फीचर्स हमें यहाँ पे मिलते हैं, ओके। तो ये हो गए हमारे ईस्टर्न हाईलैंड्स, माउंट मिशेल की लोकेशन ये है। इसके बाद हमें करना है सेंट्रल लोलैंड्स, प्लेन एरियाज ऑफ नॉर्थ अमेरिका या एंग्लो अमेरिका का जो प्लेन एरिया है वो बीच में है, सेंटर में है सेंट्रल लोलैंड्स, ठीक है। तो ये अब हमें स्टडी करना है। देखो सेंट्रल लोलैंड्स जो हैं ये एक ब्रॉड कॉरिडोर फॉर्म करते हैं फ्रॉम गल्फ ऑफ मैक्सिको टू द आर्कटिक। कॉरिडोर का क्या मतलब है, ये एक रास्ता बना रहे हैं। मैं देखो ये मैप में ये जो ग्रीन पोर्शन है ना, यहाँ पे आप देखो ये है आर्कटिक ओशन और ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको, तो गल्फ ऑफ मैक्सिको से ये एक ब्रॉड कॉरिडोर फॉर्म कर रहे हैं। रास्ता किस तरह से फॉर्म कर रहे हैं, बिकॉज एंग्लो अमेरिका के ईस्टर्न साइड भी माउंटेन्स है, वेस्टर्न साइड भी माउंटेन्स है, और ये नॉर्थ ईस्टर्न भी सारा प्लेटू रीजन है, तो एक जो प्लेन रास्ता जो है वो सेंट्रल लोलैंड्स फॉर्म कर रहे हैं, गल्फ ऑफ मैक्सिको से लेके आर्कटिक सर्कल तक या आर्कटिक ओशन तक ये एक रास्ता फॉर्म कर रहे हैं, ब्रॉड कॉरिडोर जो कि आर्कटिक सर्कल या आर्कटिक ओशन जो है इसकी तरफ से, नॉर्थ में तो ये थोड़ा नैरो है और साउथ वार्ड ये काफ़ी ब्रॉड एक कॉरिडोर है, ठीक है। यंगर फॉर्मेशन की सेडिमेंट्री रॉक्स से बना ये रीजन है, तो सेडिमेंट्री रॉक्स मतलब सॉयल हमें मिलती है यहाँ पे, और यंगर फॉर्मेशन है इस रीजन की, बिकॉज यंगर फॉर्मेशन देखो प्लेन एरियाज की ज़्यादा होती है, बिकॉज रिवर्स से जो भी सेडिमेंट्स आके डिपॉजिट होते हैं वहीं पे प्लेन एरियाज बनते हैं, तो यंगर फॉर्मेशन है, सेडिमेंट्री रॉक्स हमें यहाँ पे मिलेंगी, और इसको ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका या नॉर्थ अमेरिकन प्लेन्स भी बोलते हैं। रीजनली सेंट्रल लोलैंड्स को 3 सब डिविजन्स में कैटेगराइज हम कर सकते हैं, एक है मैकेंजी बेसिन, दूसरा कैनेडियन प्रेरीज और तीसरा है मिसिसिपी बेसिन। देखो मैकेंजी बेसिन जो है ये रीजनल सब डिविजन्स हैं, सेंट्रल लोलैंड जैसे नॉर्थ से साउथ तक एक्सटेंड कर रहे हैं, काफ़ी बड़ा सेंट्रल लोलैंड है, तो इनका सब डिविजन्स हमने किए हुए हैं। इसमें जो सबसे नॉर्थ वाला रीजन है यहाँ पे मैकेंजी रिवर फ्लो करती है, इसका नाम है मैकेंजी बेसिन। सेंटर में कैनेडियन प्रेरीज है, प्रेरी ग्रासलैंड वेजिटेशन से इनका नाम आया है, क्योंकि यहाँ पे ग्रासलैंड वेजिटेशन हमें मिलती है जिनको प्रेरीज बोलते हैं नॉर्थ अमेरिका में, तो कैनेडियन प्रेरीज इनका नाम है। बीच में जो सेंट्रल लोलैंड्स हैं, और साउथ में मिसिसिपी रिवर फ्लो करती है, यहाँ पे है मिसिसिपी बेसिन, क्लियर। तो ये 3 सब डिविजन्स हैं सेंट्रल लोलैंड्स के। मैकेंजी बेसिन नॉर्दर्न पार्ट है सेंट्रल लोलैंड्स का, इट इज़ अ हॉरिजॉन्टली वेडेड रॉक्स रीजन अंडर अ प्लीस्टोसिन ओवरले ऑफ सैंड, ग्रेवल एंड क्ले। यहाँ पे हमें सैंड, ग्रेवल, क्ले इस तरह की रॉक्स मिलेंगी। रिवर मैकेंजी फ्लो करती है नॉर्थवर्ड इनटू द आर्कटिक ओशन। तो रिवर मैकेंजी जब हम रिवर्स करेंगे, ड्रेनेज सिस्टम करेंगे, उसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि रिवर मैकेंजी जो है वो लेक्स में से निकलते हुए इस तरह से फ्लो करती है और अपना वाटर ये डिस्चार्ज करती है आर्कटिक ओशन में, ठीक है। तो नॉर्थवर्ड ही फ्लो कर रही है, साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है, मैप में इसकी ऊपर को डायरेक्शन बनेगी। कैनेडियन प्रेरीज जो है ये सेंट्रल सेक्शन है सेंट्रल लोलैंड्स का। दिस इज अ रीजन कवर्ड विद ग्लेशियल ड्रिफ्ट एंड लैक्यूस्ट्रीन डिपॉजिट्स।
लैक्यूस्ट्रीन डिपॉजिट का मतलब है लेक्स। लेक्स मिलेंगे एक तो हमें यहाँ पे, और दूसरा ग्लेशियल ड्रिफ्ट से कवर्ड रीजन है, ग्लेशिएटेड मटेरियल मिलेगा और लेक्स। ठीक है, लेक्स भी यहाँ पे विंटर के टाइम पे जमी हुई रहती हैं। देन मिसिसिपी बेसिन, ये सदर्न सेक्शन है सेंट्रल लोलैंड्स का, फ्लैट लोलैंड कंपोज्ड ऑफ हॉरिजॉन्टली एंड रिलेटिवली न्यूअर एंड सॉफ्टर रॉक्स। तो ये जो रीजन है एक फ्लैट लोलैंड है जिसमें न्यूअर और सॉफ्टर रॉक्स हमें मिलती हैं। इट इज़ अ साउथवर्ड स्लोपिंग रीजन। इसका जो स्लोप है ना, स्लोप समझते हो, डायरेक्शन ढलान जो होती है वो साउथ की तरफ को है। एंड ड्रेन्ड बाय रिवर मिसिसिपी। मिसिसिपी और उसकी जो ट्राइब्यूटरीज हैं मिजोरी, ओहायो, ये सब इसको ड्रेन करती हैं और यहाँ पे बर्ड फुट डेल्टा बनता है। साउथ में आप देखोगे गल्फ ऑफ मैक्सिको की तरफ बर्ड फुट डेल्टा ये रिवर्स बनाती हैं। ठीक है, तो हमने तीन रीजन्स कर लिए, कैनेडियन शील्ड, ईस्टर्न हाईलैंड्स और सेंट्रल लोलैंड्स। अब हमारे पास फोर्थ जो रीजन बचता है वो है वेस्टर्न कॉर्डिलेरास। ठीक है, तो माउंटेन्स हैं यहाँ पे बहुत सारे, इनको हमें डिटेल में पढ़ना है। देखो वेस्टर्न कॉर्डिलेरास जो है ना, ये हाईएस्ट पार्ट है एंग्लो अमेरिका का। मैंने बताया था कि यहाँ पे सबसे हाईएस्ट माउंटेन्स मिलते हैं, ईस्टर्न हाईलैंड्स जो हैं उनकी हाइट कम है। तो हाईएस्ट पार्ट जो एंग्लो अमेरिका का है वो है वेस्टर्न कॉर्डिलेरास, और ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का पार्ट है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बारे में आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि पैसिफिक ओशन में काफ़ी डिस्टर्ब्ड ये रीजन है, जहाँ पे अर्थक्वेक और वोल्केनिक एक्टिविटीज़ कॉन्टीन्यूसली होती रहती हैं। तो ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, और यहाँ पे ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, इसके वेस्टर्न साइड पे जो वेस्टर्न कॉर्डिलेरास हैं वो इसी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का पार्ट है। ठीक है, हाईली कॉम्प्लेक्स सिस्टम है ये यंग फोल्ड माउंटेन्स का, एंड रीसेंट अल्पाइन ओरिजिनी में ये बने थे। ओरिजिनी का मतलब माउंटेन बिल्डिंग मूवमेंट्स होते हैं, तो रीसेंट अल्पाइन ओरिजिनी में बने थे ये यंग माउंटेन्स हैं। मतलब जैसे मैंने अभी बताया था कि कैनेडियन शील्ड सबसे पुराना बेस है इस जगह का, जहाँ इसके बाद फिर नॉर्थ अमेरिका का पूरा कॉन्टिनेंट बना। ईस्टर्न हाईलैंड्स हैं उसके बाद, सेंट्रल लोलैंड्स तो सबसे ज़्यादा न्यू हैं, इनसे पुराने अगर बात करें तो वो वेस्टर्न कॉर्डिलेरास हैं। ठीक है, तो यंग माउंटेन्स हैं ये। वेस्टर्न कॉर्डिलेरास की जो मेजरमेंट है वो 1600 किलोमीटर है अक्रॉस इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में 1600 किलोमीटर इनकी विड्थ है। मैप में मैं दिखा देती हूँ, देखो ये वेस्टर्न कॉर्डिलेरास है ना, तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन का मतलब ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में इनकी जो विड्थ है, ब्रेड्थ है, वो है 1600 किलोमीटर। फाइन, ज़्यादातर टाइम ये भी स्नो बाउंड ही रहते हैं, और ये जो मॉइस्चर लेडन विंड्स हैं उनके लिए एक बैरियर का काम करते हैं। तो रिलीफ रेनफॉल ये यहाँ पे इस कोस्ट पे कॉज करते हैं, जो भी ओशन से फिर विंड्स आती हैं उनके लिए ये बैरियर का काम करते हैं। तो उस बैरियर से क्या होता है कि वो अपना मॉइस्चर वहाँ पे फिर रिलीज कर देते हैं। जैसे इंडिया में हिमालयन माउंटेन्स जो हैं वो एक बैरियर फॉर्म करते हैं विंड्स के लिए और फिर यहाँ पे रेनफॉल करते हैं, ऐसे ही वेस्टर्न कॉर्डिलेरास भी रेनफॉल कॉज करते हैं। ठीक है, तीन सब डिविजन्स हैं कॉर्डिलेरास में, वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस, ईस्टर्न माउंटेन रेंजेस और इंटरमोंट प्लेटूज एंड बेसिन्स। इसका क्या मतलब है, देखो वैसे तो इनका नाम वेस्टर्न कॉर्डिलेरास है बिकॉज ये एंग्लो अमेरिका के वेस्टर्न साइड पे हैं। ठीक है, कॉर्डिलेरास कह लो चाहे वेस्टर्न कॉर्डिलेरास कह लो, एक ही बात है, वेस्टर्न नाम इनके वेस्टर्न लोकेशन से है। लेकिन वेस्टर्न कॉर्डिलेरास को भी अगर हम एक रीजन मान लें, इसका भी डिवीजन करें, तो वेस्ट ईस्ट में इनका भी डिवीजन हो सकता है। तो ये वाले जो माउंटेन्स हैं ना, जो इसके वेस्ट में लाई कर रहे हैं, ये हैं वेस्टर्न माउंटेन्स ऑफ द वेस्टर्न कॉर्डिलेरास। ये इसकी वेस्टर्न रेंजेस हैं, और इसके ईस्टर्न पोर्शन अगर हम देखें, ये जो रेड कलर से मैं दिखा रही हूँ, ये वाले जो माउंटेन्स हैं ये इसके कंपैरेटिवली ईस्ट में हो गए, तो ये ईस्टर्न रेंजेस हैं वेस्टर्न कॉर्डिलेरास की। ठीक है, और बीच में जो है यहाँ पे हमें कुछ इंटरमोंट प्लेटूज मिलते हैं। इंटरमोंट प्लेटूज का मतलब होता है दो माउंटेन्स के बीच में जो प्लेटू रीजन होता है उसको बोलते हैं इंटरमोंट प्लेटू। ठीक है, तो यहाँ वेस्ट में माउंटेन, ईस्ट में माउंटेन, बीच में कुछ कुछ प्लेटूज हैं जिनको इंटरमोंट प्लेटूज बोलते हैं। फाइन, तो कुछ वेस्टर्न रेंजेस हैं, कुछ ईस्टर्न रेंजेस हैं, इनको हमें डिटेल में अब देखना है। वेस्टर्न रेंजेस जो हैं कॉर्डिलेरास की, इसमें हमारे पास मेनली तीन रेंजेस आती हैं, एक अलास्का, दूसरी कोस्ट रेंज और तीसरी है कैस्केड एंड सीरा नेवाडा रेंज। ठीक है, तो इनकी लोकेशन आप देख सकते हो इस मैप में, वेस्टर्न लोकेशन आपने देखनी है। देखो ये है अलास्का रेंज, जिसको मैं रेड पेन से डिमार्केट कर रही हूँ, ये अलास्का रेंज है वेस्टर्न कॉर्डिलेरास की वेस्टर्न रेंज।
उसके बाद है कोस्ट रेंज, ये है दिस इज कोस्ट रेंज, इसके बाद ये कैस्केड रेंज है और ये है सीरा नवाडा रेंज। ठीक है, तो ये हो गई वेस्टर्न रेंजेस वेस्टर्न कॉर्डिलेरास की। अलास्का जो रेंज है ये ईस्ट वेस्ट एक्सटेंडिंग आर्क शेप की रेंज है वेस्टर्न कॉर्डिलेरास में, जिसकी जो एवरेज हाइट है वो 5000 मीटर है। एवरेज हाइट इसमें 5000 मीटर है। इट कंटेन्स द हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका दैट इज माउंट मैकिनले इन 6148 किलोमीटर। देखो ये लोकेशन है अलास्का रेंज में माउंट मैकिनले की। मैकिनले जो है ये वेस्टर्न कॉर्डिलेरास की हाईएस्ट पीक है, वेस्टर्न कॉर्डिलेरास की नहीं बल्कि पूरे एंग्लो अमेरिका के हाईएस्ट पीक की अगर बात करें तो वो माउंट मैकिनले है। ईस्टर्न हाईलैंड्स में माउंट मिशन, वेस्टर्न कॉर्डिलेरास में माउंट मैकिनले, और माउंट मैकिनले कहाँ है अलास्का रेंज में ये लाई कर रही है। फाइन, नेक्स्ट है कोस्ट रेंज जो कि वेस्टर्न कोस्ट पे है, जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे ये रन कर रही है। इट इज़ अ डाइसेक्टेड एंड ग्लेशिएटेड माउंटेन रेंज ऑफ द कॉर्डिलेरास रनिंग अलोंग द पैसिफिक कोस्ट। पैसिफिक कोस्ट के अलोंग ये रन करती है, डाइसेक्टेड है, बीच बीच में इसमें डिवीज जो गैप्स आ रहे हैं। ग्लेशिएटेड माउंटेन रीजन है ये इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ से साउथ की तरफ को एक ऐसे रेंज बना रही है। जनरल हाइट इनकी 1000 से 3000 मीटर की है। दिस रेंज इज ब्रोकन एट द गोल्डन गेट नियर सैन फ्रांसिस्को। ये गोल्डन गेट एक पास का नाम है जो कि इसके बीच में है, जहाँ से इनकी जो कॉन्टीन्यूटी है वो ब्रेक हो रही है। ईस्टर्न हाईलैंड्स में कौन सा है, हडसन मोहवा गैप है, और वेस्टर्न कॉर्डिलेरास में जो कोस्ट रेंज है ये जो इनका जो एक गैप है उसका नाम है गोल्डन गेट। क्लियर। नेक्स्ट है कैस्केड एंड सीरा नवाडा रेंज। ये वॉल लाइक स्टीप स्लोप हाई माउंटेन रेंजेस हैं, रन कर रही हैं साउथवर्ड टू द कोस्ट रेंज। मासिव ब्लॉक ऑफ वोल्केनिक मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री रॉक्स नियर द कैलिफोर्निया रेंजेस फाउंड। ठीक है, कैलिफोर्निया वैली के पास में एक वोल्केनिक मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री रॉक्स का मासिव ब्लॉक की तरह हमें ये मिलता है, ब्लॉक माउंटेन्स हैं ये। ठीक है, तो ये हो गई वेस्टर्न रेंजेस कौन कौन सी, अलास्का रेंज, कोस्ट रेंज, कैस्केड और सीरा नवाडा रेंज। इसके बाद है ईस्टर्न रेंजेस, वेस्टर्न कॉर्डिलेरास की ईस्टर्न रेंजेस। इसमें है सबसे पहले तो देखो सबसे बड़ा माउंटेन सिस्टम जो है दिस इज रॉकी माउंटेन्स। ये रॉकी माउंटेन रेंज जो है ये ईस्टर्न रेंज है वेस्टर्न कॉर्डिलेरास की। इसके अलावा दो हैं ब्रूक्स रेंज और मैकेंजी रेंज। ये जो मैकेंजी रेंज है ये ब्रूक्स रेंज के ही फर्दर एक्सटेंशन है साउथवर्ड। ठीक है, तो ब्रूक्स रेंज जो है वो नॉर्दर्न रेंज है अलास्का में ही, जो कि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रन कर रही है विद ऑल्टीट्यूड एक्सटेंडिंग 2450 मीटर, ये इसकी हाइट है। मैकेंजी माउंटेन्स जो हैं ये ब्रूक्स रेंज की ही फर्दर साउथवर्ड एक्सटेंशन है एंड फॉर्म्स द वेस्टर्न रिम ऑफ मैकेंजी बेसिन। तो मैकेंजी बेसिन की वेस्टर्न रिम ये फॉर्म कर रही है। यहाँ पे मैकेंजी रिवर फ्लो करती है, वहाँ पे मैकेंजी बेसिन है, उसका जो वेस्टर्न बाउंड्री है वो ये मैकेंजी माउंटेन्स बना रहे हैं। देन रॉकी माउंटेन्स हैं। रॉकीज इन यूएसए इज अ पार्ट ऑफ ईस्टर्न रेंजेस ऑफ द वेस्टर्न कॉर्डिलेरास। ब्रॉडर एंड हायर माउंटेन्स हैं, ग्लेशिएटेड फीचर्स और एनक्लोज बेसिन हमें यहाँ पे मिलेंगे, और इनकी जो जनरल हाइट है वो है 4000 मीटर्स की। ठीक है, तो माउंटेन रेंजेस के बाद नेक्स्ट अब देखो इन माउंटेन्स के बीच में मैंने बताया था कि इंटरमॉड प्लेटूज हैं। वो प्लेटूज कौन कौन से हैं, सबसे पहले तो सबसे नॉर्थ में है यूकॉन प्लेटू। दिस इज द लोकेशन ऑफ यूकॉन प्लेटू जो कि इधर अलास्का रेंज और रॉकीज के बीच में आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे है कोलंबिया प्लेटू, रॉकी माउंटेन और कोस्ट रेंज के बीच में आ रहा है ये लगभग। और इसके बाद स्नेक कोलंबिया प्लेटू है कैस्केड रेंज और रॉकीज के बीच में। देन सीरा नवाडा रेंज के पास में कोलोराडो प्लेटू है। तो ये प्लेटूज की लोकेशन आपने याद रखनी है, इसको मैं करा देती हूँ। तो यहाँ पे इनकी इन्फॉर्मेशन मैंने लिख दी है, यूकॉन प्लेटू अलास्का में है, अपलैंड बिटवीन ब्रूक्स रेंज ऑन द नॉर्थ एंड अलास्का रेंज ऑन द साउथ। तो अलास्का में साउथ में इसके अलास्का और ब्रूक्स रेंज है नॉर्थ में, तो बीच में आ गया हमारा यूकॉन प्लेटू। फिर ब्रिटिश कोलंबिया प्लेटू डाइसेक्टेड प्लेटू है जो कि स्प्रेड कर रहा है ओवर ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस ऑफ कैनेडा। लाइज बिटवीन कैनेडियन कोस्ट रेंज ऑन द वेस्ट एंड रॉकीज ऑन द ईस्ट। ये वही सारा है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि रॉकीज और कोस्ट रेंज के बीच में ये लाई कर रहे हैं। जनरल हाइट इसकी 900 मीटर्स की है। उसके बाद स्नेक कोलंबिया प्लेटू है साउथवर्ड, लावा प्लेटू है दैट इज रिजल्टेड फ्रॉम द फिशर इरप्शंस। ये फिशर इरप्शंस से एक ओरिजिन हुआ प्लेटू है स्नेक कोलंबिया प्लेटू। तो लावा प्लेटू है ये,
लाइज टू द ईस्ट ऑफ कैस्केड रेंज. तो कैस्केड रेंज जहाँ पे है उसका ईस्टर्न जो पोर्शन है दिस इज स्नेक कोलंबिया प्लेटू. नेक्स्ट है कोलोराडो प्लेटू. सदर्न मोस्ट इंटरमोंट प्लेटू है ये वेस्टर्न कॉर्डिलेरास का. सबसे साउथ में कौन सा है? कोलोराडो प्लेटू. इट हैज़ अ बेसिन एंड रेंज टोपोग्राफी विच स्लोप साउथवर्ड. तो बेसिन की तरह और एक माउंटेन रेंज की तरह भी इसकी टोपोग्राफी है, मिक्स टोपोग्राफी है इसमें जो कि साउथवर्ड स्लोप कर रही है. फाइन. तो अब आपके फिजियोग्राफिक डिविजन्स जो है एंग्लो अमेरिका का, ये जो टॉपिक है पूरा कंप्लीट हो गया है, रिलीफ मैंने करा दिया. आई होप कि आपको समझ भी आया होगा. इसका जो यूनिट वन एंग्लो अमेरिका के कंप्लीट नोट्स हैं वो आपको बहुत जल्दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. ठीक है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, थोड़े दिन बाद मिलेगा लेकिन. एंड अगर आपको मैप्स स्टेंसिल का सेट परचेज करना है बीए थर्ड ईयर ज्योग्राफी का एज पर पंजाब यूनिवर्सिटी सिलेबस, तो आपके सिलेबस में जितने भी रीजन्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको बीए थर्ड ईयर का ज्योग्राफी का मैप स्टेंसिल सेट दिया जाएगा. वो आपको अगर ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके बता सकते हो और अपना एड्रेस एंड पिन कोड आपने वहाँ पे बता देना है ऑर्डर करते हुए. ठीक है. सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है ताकि आपको वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो भी जल्द मिल जाए. जब भी वीडियो अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू पता चल जाएगा. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट.